सावन का हर शनिवार इन राशि के जातकों के लिए बेहद खास है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। मान्यता है कि शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करने से शनिदेव भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। वहीं सावन का महीना शिव पूजा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त और शिष्य माने जाते हैं। ऐसे में सावन का शनिवार भगवान शिव और शनिदेव की कृपा पाने के लिए उत्तम दिन है। सावन मास को शनि के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए खास माना गया है। शनि ग्रह के अशुभ फल से हर कोई भयभीत रहता है। शास्त्रों के अनुसार शनि की नजर पड़ने से व्यक्ति को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में शनि वक्री अवस्था में मकर राशि में विराजमान है और जनवरी 2023 में फिर से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि दोष से पीड़ित राशियों को आर्थिक, शारीरिक व मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं सावन में किन राशियों पर शनि की दृष्टि रहेगी। ज्योतिष के अनुसार शनि वक्री अवस्था में 12 जुलाई को मकर राशि में गोचर कर चुके हैं और वे यहां इसी स्थिति में जनवरी 2023 तक रहेंगे। शनि के मकर राशि में गोचर से धनु, मकर व कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव है, जबकि मिथुन व तुला राशि वालों पर शनि ढैया का प्रभाव है। ऐसे में इन राशि के जातकों को शनिवार के दिन शनि देव की कृपा पाने के लिए ये उपाय करने चाहिए। मान्यता है कि सावन शनिवार को शनि के उपायों से शनिदेव और भगवान शिव दोनों प्रसन्न होते हैं। इन उपायों से शनि का कुप्रभाव कम होता है। सावन के किसी भी शनिवार के दिन पास के शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल से शनिदेव का अभिषेक करें। सावन में किसी भी शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के चारों तरफ कच्चा सूत 7 बार लपेटें। इस दौरान मन में शनिदेव का ध्यान करते रहें। मान्यता है कि ऐसा करने से शनि का प्रकोप कम होगा और उन्नति के मार्ग में कोई परेशानी नहीं आएगी। सावन शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय से शनिदेव और भगवान शिव दोनों प्रसन्न होते हैं तथा शनि दोष से मुक्ति मिलती है।